बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ईद के लिए स्पेशल मीठा। ये झटपट बन जाने वाला मीठा है और बहुत ही आसान रेसिपी है। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, बस दो इंग्रेडिएंट चाहिए और आपका मीठा तैयार है। और दूसरा, हम बनाएंगे व्हिपिंग क्रीम जूसर जग में, नो इलेक्ट्रिक बीटर। जूसर जग में सिर्फ 4 मिनट आप इसको चलाएँ और आपकी व्हिपिंग क्रीम तैयार है। इस मीठे के लिए आप कोई सी भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑलपर्स वगैरह कोई भी आप यूज़ कर लें। आप देख सकते हैं कि जूसर जग में भी ये कितने अच्छे से बनी है। क्रीम जूसर जग में ऐड करने से पहले अच्छी तरह चिल्ड होने चाहिए, यानी आप आधा घंटा पहले बर्फ़ वाले खाने में रख दें। जब क्रीम इस कंडीशन में आ जाए कि चम्मच से या चमचे से ये बिल्कुल गिरे ना, अगर जग को भी आप उल्टा कर दें तो भी ना गिरे, तो आप समझे आपकी क्रीम रेडी है। व्हिपिंग क्रीम रेडी है। अब अगर आप चाहें तो इसमें कोई सा भी फूड कलर ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें रूह अफ़ज़ा ऐड कर रही हूँ, आप इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। रूह अफ़ज़ा ऐड कर रही हूँ, इससे मुझे हल्का पिंक कलर भी मिलेगा और क्रीम भी हल्की मीठी हो जाएगी। नारियल का बुरादा लेंगे, ये आपको बेकरी से आसानी मिल जाएगा। मीठे को प्यारा सा कलर देने के लिए मैंने इसमें रेड कलर यूज़ किया है, जो हल्का पिंक कलर हो गया है, और थोड़े से नारियल में ग्रीन कलर ऐड करूँगी। ब्रेड की साइडों को कटिंग कर लेंगे, ब्राउन साइडें अलग कर देंगे। ब्रेड को दूध में डिप करके हल्का दबा कर खुश कर लेंगे। अब ब्रेड के ऊपर व्हिपिंग क्रीम जो हमने तैयार की थी वो भर भर कर लगा देंगे। बहुत ही एहतियात के साथ हम इसे गोलाई में शेप देते हुए रोल कर लेंगे। रोल करते हुए अगर ब्रेड टूट जाती है तो इसकी आप टेंशन ना लें, क्योंकि ये ब्रेड दूध में डिप करने की वजह से गीली है, तो जैसे हम इसे प्रेस करेंगे ये गोल हो जाएगी। रेसिपी कंप्लीट हो जाने के बाद हम इसे फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख देंगे, जिससे इसकी शेप जो हमने गोलाई में दी है ये परफेक्ट रहेगी। गोलाई में शेप देने के बाद हम इसकी साइडों को भी क्रीम लगाकर बंद कर देंगे। नारियल का बुरादा जो दो कलर में रखा है, इसको हम इस तरह घुमाते हुए इसके ऊपर चिपका देंगे। दूध में डिप करने की वजह से, गीला होने की वजह से ये आसानी से चिपक जाएगा। इसी तरह साइडों पे भी हम इसे लगा लेंगे। इसी तरह हम सारे रोल बनाकर रख लेंगे। आप इसे ईद से 2-3 दिन पहले भी बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और ईद वाले दिन ईद की मीठी मीठी खुशियों में इस मीठे को एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।